गुड डे एवरीवन। आज मेरे साथ ईश्वर सर हैं, जो कि मुकुंदा फूड के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। और सर से हम लोग आज बात करने वाले हैं किचन ऑटोमेशन के बारे में। और रिसेंटली अभी सर की बेटी भी हुई है और साथ साथ जोमैटो के द्वारा सर को फंडिंग भी मिली है 5 मिलियन की। तो उसके लिए सर मुबारकबाद है आपको। और यही सारा कुछ हम लोग आपसे पूछने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग स्टार्टअप वर्ल्ड की बात करते हैं और किचन ऑटोमेशन की बात करते हैं, और इवन जो मेरी मेनली जो वीडियो होती है हमारी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, किस तरीके से ये चीजें क्लब हो रही हैं और इस फील्ड में भी कई सारी फंडिंग्स मिल रही है। तो सर टोटल इसके ऊपर हमारे पूरा आज का डिस्कशन होने वाला है। सर थैंक यू शेफ, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग। सर पहला क्वेश्चन यही लेंगे, किचन ऑटोमेशन क्या है? व्हाट इज किचन ऑटोमेशन? किचन ऑटोमेशन ऐसे चीज है जो आपको बिना स्किल्ड पर्सन रिक्वायर हुए आपका किचन आप स्केल कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो, आप जो भी रेस्टोरेंट से आउटलेट्स है उन सबका एक ना हेड शेफ रहता है जो बढ़िया खाना बनाता है। नाउ जो आउटलेट जैसे स्केल होते हैं उनको वो खाना रेप्लीकेट करने में प्रॉब्लम होता है एट स्केल। जब आज के डेट पे सब लोगों को 20-50 आउटलेट खोलने, कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे एक दो आउटलेट ही खोलना है, सबको 20-25 आउटलेट खोलने रहते हैं, क्योंकि सबको अपना बिजनेस धंधा बढ़ाना रहता है। जब उनको लोग अपना धंधा बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उनको रिप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। एंड किचन ऑटोमेशन वहां पे यूज होता है टेक्नोलॉजी के रूप से, कि उनका जो शेफ के द्वारा बनाया हुआ खाना, हाउ कैन यू मेक इट रिप्लीकेट एट वेरियस आउटलेट्स। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो सर अगर जैसे अभी अभी जैसे पहले समय में तो क्या होता था कि भाई किचन ऑटोमेशन, जैसे मैं भी शेफ ही हूँ तो हमारे लिए तो ये था कि भाई आलू की मशीन आ गई तो वो किचन ऑटोमेशन हो गया, हाथ से आलू नहीं छिलने पड़े हैं। कीमा पहले हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे चापड़ से करते थे बूचर वाले, उससे तो वो मशीन आ गई तो वो हो गया। बट अब जो मायने बदल रहे हैं हमारे किचन ऑटोमेशन के, सर मुकुंदा फूड्स का जैसे आप को फाउंडर हो, ठीक है, अभी आपके और भी, अगर आप उनके बारे में बता दीजिए और कौन कौन आपके साथ हैं। हाँ, मेरे साथ और दो को-फाउंडर है, एक है सुदीप, जो मैं और सुदीप एक कंपनी स्टार्ट किए थे। इनफैक्ट मैं और सुदीप कॉलेज में थे और हम लोग रूममेट्स भी थे जब हम लोग एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किए थे। इनफैक्ट शेफ, ये हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था जब हम लोग हॉस्टल में थे, जो तो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड एड्रेस था वो हॉस्टल का रूम था हमारा। तो जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जो बंदे आते हैं, थोड़ा चौंक गया था, यार ये हॉस्टल रूम है कि कंपनी है। बाद में उसको समझाया कि नहीं बेटा, ये ना बहुत बड़ा होने वाला है, तुम देख के आओ। लेकिन स्टार्टिंग यही से होता है सब छोटे चीज। तो सुदीप ने किया, फिर राकेश करके एक बंदा है जो मेरा तीसरा को फाउंडर है, जो टेक्नोलॉजी देखता है, वो CTO है हमारा। ओके सर। सर अभी जैसे अभी हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम लोग अपने पार्टनर्स रख लेते हैं या को फाउंडर्स रख लेते हैं, ठीक है ना, तो मेनली लोगों के बाद में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपस में लड़ाइयाँ होने लग जाती है, बाद में कंपनी बंद हो जाती है, मतलब जो विजन हम लोग लेके चलते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अभी अभी यहाँ पे आप दो नहीं, आप तीन लोग, आप अगर देखा जाए किस तरीके से चीजें मैनेज होती है। देखिए शेफ, एक इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि जब दो तीन चार मेंबर्स होते हैं कोई भी को फाउंडिंग टीम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि यार फाइनल डिसीजन कौन लेगा। राइट, अगर सबके आज बिटवीन तीन चार लोग या दो जो भी है उसमें अगर क्लैरिटी रहेगा कि भाई ये बंदा फाइनल डिसीजन लेगा एंड ये जो भी लेगा फाइनल डिसीजन, वी आर गोइंग टू अडहियर टू इट, ठीक है, तब जाके 99% का इश्यूज कम होता है। क्योंकि नॉर्मली प्रॉब्लम होता है ईगो के वजह से, क्योंकि करेक्ट क्या है गलत क्या है नहीं पता, क्योंकि बिजनेस है, मैं एक डिसीजन लेता हूँ इसके वजह से गलत हुआ, बोलेगा नहीं ये इस डिसीजन की वजह से गलत नहीं हुआ, तो वो नहीं पता। एंड ऑफ द डे यू नो कि एक बंदे को डिसीजन लेना पड़ता है, एंड जब तक पूरा टीम में वो क्लैरिटी है कि भाई हम को-फाउंडर है बट डिसीजन मेकिंग ये बंदा है, उसके वजह से ना 90% आपका चीज क्लैरिटी हो जाती है। बाकी चीज भी है, जैसे आपको फ्रेंडशिप रखना पड़ता है, उनको भी माइनर देना पड़ता है, उनको शेयर देना पड़ता है, सैलरीज देने पड़ते हैं, प्रॉफिट शेयर देना पड़ता है, वो सब है। बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यू शुड आइडेंटिफाई हु इज द डिसीजन मेकर, फाइनल डिसीजन मेकर। ओके, तो सर इस आई थिंक इस आंसर से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अभी सब अभी कई सारी ऐसी वेबसाइट आ गई जहाँ पे आप जाके अपने को फाउंडर ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोग तो उतरे, कोई जो साथ वाला फ्रेंड है उसके साथ हमको थोड़ा इजी रहता है तो हम लोग उसको फाउंडर बना लेते हैं, ऐसा ही चलता है बेसिकली मार्केट में, बट वो लॉन्ग टर्म पे विजन नहीं जाता है। तो यहाँ पे मेनली ये होगा कि भाई डिसीजन मेकर कौन होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट।
सर अभी जैसे हम लोग किचन ऑटोमेशन की बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं जैसे मेरे चैनल पे मेनली जो शेफ लोग हैं या रेस्टोरेंट के ऑनर है वो लोग देखते हैं इसको, अभी जो शेफ लोग होते हैं उनको डर रहता है कि भाई अगर 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 मशीन आ जाएगी तो मेरा तो जॉब चला जाता है, ठीक है ना, अगर इस तरीके का लोगों का थिंकिंग होता है तो यहाँ पे इस वाले मतलब कि जो मैंने आपको सेंटेंस बोला इसको कैसे आप बताने की कोशिश करोगे सर? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी आएगी किचन्स में, टेक्नोलॉजी आई है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, जो पहले डीजल कार थे बाद में पेट्रोल हुए, अभी टेस्ला है, अभी इलेक्ट्रिक ईवी है, ठीक है। अगर कोई कंपनी आज बोलता है कि मैं ईवी में नहीं करूंगा या हम लोग सिर्फ डीजल कार ही बेचेंगे तो 10 15 20 25 साल के बाद कंपनी गारंटी बंद हो जाएगा। जैसे नोकिया था उसने बोला कि मैं टच स्क्रीन नहीं करूंगा, मैं बटन ही करूंगा, सही बात है बिल्कुल। ब्लैकबेरी था जो दुनिया का मतलब अनबीटन कंपनी था, मतलब हजारों करोड़ों की मार्केट कैप थी, लाखों करोड़ों की मार्केट कैप थी, अगर वो जब टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाए उस कंपनी को बंद करना पड़ा। सो एनी इंडस्ट्री में वैसे ही लोग वैसे ही कंपनीज आगे जाएंगी जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे, दैट इज वन थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड। सेकेंड ये है कि जो शेफ है शेफ का मायना कभी कम नहीं होता है विद ऑटोमेशन कमिंग, बल्कि शेफ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि आज के डेट पे शेफ होते हैं जो रेसिपी क्रिएट करते हैं, जो प्रोसेस बनाते हैं, जो ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाते हैं, जो प्रोसेस सेट करते हैं, जो एसओपीज बनाते हैं, ठीक है। शेफ का एक ही काम नहीं होता है कि खाना बनाना है, शेफ को ओवरऑल अपना बिजनेस पार्टनर जैसे बन के उनको ग्रो करना रहता है। तो शेफ को ये टूल है, अगर मैं बोलूँ कि शेफ आपको नाइफ नहीं है, आप हाथ से काटो, आप नहीं कर पाओगे, राइट, आपको एक अच्छा टूल चाहिए फॉर यू टू कुक वेल, टू स्केल वेल। तो टेक्नोलॉजी को ऑटोमेशन को शेफ शुड सी इट एज अ फ्रेंड रादर देन सेइंग कि इसके वजह से, अगर किसी भी शेफ को इनसिक्योरिटी है इस वजह से तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आपका फ्रेंड है, ये आपका असिस्टेंट है, ये आपका कोबोट है, ये आपका जगह नहीं ले सकता है फॉर श्योर। ऑटोमेशन अपना जगह है, शेफ विल बी ग्रेटली इट इज विंग्स फॉर अ शेफ कि जैसे ही हाँ सर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी मेनली ये हो जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिमिलर आ रहा है, एक तरीके से एक जैसा हमारा हो रहा है। और सर अभी जैसे जैसे मान लीजिए जो नीचे के लेवल्स के होते हैं ना, अभी जैसे कॉमी थ्री होते हैं, तो इवन मैं तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हम लोग कुछ वेबिनार्स करें जहां पे हम लोग जो नीचे के लेवल पे कॉमी थ्री कॉमी टू है उनको इन मशीन्स के बारे में बताएं। अभी मैं शेफ था, मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके मैंने तो लेवल छोड़ दिया, आई एम ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो अभी जो पीछे से नीचे से बंदे आ रहे हैं उनको किचन ऑटोमेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि यही हमारा फ्यूचर होने वाला है सबका। राइट राइट। तो एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि जैसे पहले फैक्ट्रीज होते थे, ठीक है, तो अगर आप कोई फैक्ट्री देखोगे ना आपका पुराना जमाने में एक लेथ ऑपरेटर होता था, एक चीज ऐसे घूमता रहता है, हाँ। उसको लेथ ऑपरेटर ऐसे ऐसे करता रहता है। तो वो लोग बाद में सीएनसी मशीन आए कि लेथ ऑपरेटर जो है सीएनसी मशीन चलाएगा, बहुत लेट ऑपरेटर बोले यार ये तो नहीं है, मैं तो हाथ से अच्छा बनाता हूँ, ये वो ढलाना पिलाना। बट आज के डेट पे देखोगे कि जो लेट ऑपरेटर एक घंटे में 500 से 600 पीस बनाता है, बल्कि वो सीएनसी मशीन 10,000 पीस बना देता है एक घंटे में। तो कंपनी उसी टाइप का लोगों को भी प्रेफर करेगी जो सीएनसी ऑपरेट करना जानता है। तो आगे जाके जो भी कॉमी टू कॉमी थ्री जो भी है उनका मायना तभी बढ़ेगा जब वो बोलेगी नहीं नहीं मैं टेक्नोलॉजी यूज करना जानता हूँ, मैं अडेप्ट करना जानता हूँ, मैं मशीन यूज करना जानता हूँ। तो उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टेक्नोलॉजीज के, मतलब वो जो अपने अपने जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, वो उनके अपने हाथ का स्किल है, बट उसको एक लार्जर स्केल पे कैसे करना है वो मशीन्स के द्वारा होगा। करेक्ट। सर अभी जैसे हम लोग कैसे जज करते हैं, जैसे आप लोग की जैसे कंपनीज अभी बहुत सारी मशीन है, वॉकी है, फ्रायर है, डोसा वाली मशीन है, तो आप लोग कैसे जज करते हैं कि भाई हमको कौन सी मशीन बनानी है फ्यूचर में, या क्या क्या जजमेंट के क्राइटेरियाज रहते हैं मशीन्स के लिए? सी हम लोग का एक कंपनी में सेइंग है या हमारा वैल्यूज है ना, कंपनी का जो वैल्यू सिस्टम होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम। तो हमारा जो भी कस्टमर्स है फ्रॉम मीडियम ब्रांड्स, लार्ज ब्रांड्स, इंडिया का टॉप 75-80% ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते हैं, तो उनको उनसे आता रहता है कि नो ईश्वर इस टाइप का एक मशीन बना दो, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हमको स्केल करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक आपको मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली फ्रोजन मोमो को स्टीम करने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं फ्रोजन से स्टीम करने के लिए। हाँ, अभी हमारा एक टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाला है जो अंडर अ मिनट स्टीम कर देगा, क्योंकि ओके तो जो फ्रोजन -18 से 75 डिग्री तक अंडर अ मिनट, एक मिनट के अंदर अंदर लेके आएगा। क्योंकि बहुत सारे मोमो वाले बोल रहे थे कि हमको स्टीम करने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत होती है, कस्टमर्स को वेट करना पड़ता है, एंड बहुत डिमांड में आजकल मोमो, आप भी जानते हो कि हर जगह लोग खा रहे हैं,
पूरा इंडिया में फैल रहा है, जब ऐसे डिमांड बढ़ता है तो जो कंपनी इस टाइप का टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके स्केल कर पाता है दे विल सक्सीड। तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमको मोमो जल्दी बनाना है, हमको एक्स वाई जी में बहुत स्किल लग रहा है, इसे डी स्किल करा दो। तो जैसे 5-10 कस्टमर बोल दिए तो उस टाइप का हम लोग टेक्नोलॉजी बना देते हैं। करेक्ट है सर। अभी जैसे जब पहले जैसे मोमो बनाना मतलब कि एक बहुत ही झंझट का काम है एक्चुअली में बोला जाए तो, सिंगल सिंगल पीस बनाना, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी मैन पावर नहीं रखना चाहता, तो फ्रोजन मोमो आने लग गए। अब वो फ्रोजन मोमो क्योंकि फ्रोजन होते हैं -18 पे होते हैं, वो काफी मतलब कि उनको गर्म करने में काफी टाइम लगेगा, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आ रहे हैं सर, दैट्स ग्रेट सर। सर अभी कंपनी को कितना साल हुआ और लगभग कितनी मशीन आप लोगों ने सेल करी होंगी सर? सी आई थिंक एक्चुअली मुकुंदा फूड्स का हिस्ट्री यही है कि शेफ की हम लोग स्टार्ट किए क्यूएसआर जैसे, आई डोंट नो इफ यू नो इट, कि हम लोग पहले डोसा इडली वाला बेचते थे, मुझे मालूम है बाकी। हाँ हम लोग का 3-4 साल कंपनी में वही गया, मतलब 2014-15 में हम लोग स्टार्ट किए थे, 2-3 साल हमारा क्यूएसआर बिजनेस में गया, बाद में हमने 2 साल मशीन बनाने में लग गया था हमारा। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में 2018-19 से हमारा लगातार स्टार्ट है काम, एंड हम लोग अभी क्लोज टू 90% ऑफ ग्लोबल क्यूजिंग कुक कर सकते हैं। हाँ सर, वॉकी तो बेस्ट है सर, वॉकी वाला तो अभी मैंने भी डेमो उस टाइम हम लोगों ने करे थे, तो काफी बेस्ट है। इवन सर आई थिंक आहार में आप लोग आओगे अभी, आई थिंक आहार, हाँ गली में आहार में हम लोग काफी चीज लॉन्च करने वाले है, काफी लाइव कुकिंग होने वाला है, इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज इटालियन पिज्जा बर्गर सब बनने वाला है। तो जो भी आहार आएंगे हमारा स्टॉल आइए, हैव अ लंच ब्रेकफास्ट डिनर हमारे स्टॉल पे एंड सी द टेक्नोलॉजी। करेक्ट सर। इवन आई थिंक आप लोगों ने शेफ भी हायर है आप लोगों के पास, जो कि पर्टिकुलरली आपकी रेसिपीज वगैरह के साथ पूरा डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं आप लोग ना? हाँ, तो एक चीज हम लोग देखे कि जब भी कोई भी मशीन लेते हैं ना, तो उनको मशीन में रेसिपी लोड कराने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो इसीलिए हाँ। हमारे एक खुद का कलिनरी टीम है, कलिनरी सर्विसेज है, तो कलिनरी सर्विसेज आके आपका पूरा रेसिपी समझ के उसको मशीन में डाल के आपका मशीन को स्टोर में लाइव करके चले जाएंगे। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि मशीन दे दिया अब खुद आपका देख लो, नहीं, हम लोग जब तक आपका एंड कस्टमर आपका खाना खा के अच्छा नहीं बोलता तब तक हमारा सेल नहीं खत्म होता। नहीं करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। सर अभी जैसे अभी अभी जैसे आप बोल रहे कि 3 या 4 साल लगा लो, या टोटल कंपनी अगर लगा लो तो 8-9 ईयर्स हो गए, तो आपको मतलब कहाँ पे ये महसूस हुआ कि अब हमको फंडिंग के लिए जाना चाहिए, ये मतलब किस तरीके से आया? क्योंकि आप तो अगर अभी देखेंगे कोई 1 साल नहीं होता किसी कंपनी को, वो बोलता है मुझे फंडिंग लेने जाना है, मतलब इस तरीके का मार्केट में है, ठीक है। और मतलब कि अगर जैसे शार्क टैंक की आप देख लेंगे नाटक का, मतलब जो रियलिटी शो था, ठीक है, तो अभी आप लोगों को किस मतलब क्या हम लोग सोचे कि भाई मुझे इस लेवल पे अब फंडिंग के लिए जाना चाहिए? बाकी जैसे कंपनी आपका प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, दैट इज अ वन थिंग, बट किस स्टेज पे आप देखिए फंडिंग तब आपको लेना चाहिए, फंडिंग आप सर्वाइवल के लिए नहीं लेंगे। अगर सर्वाइवल के लिए आप फंडिंग ले रहे हो तो आपको फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि मुझे दिन, तो आपको फंडिंग लेना चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत बड़ा एक ग्रोथ इंजन है जिसको फायर करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए। कि आप एक कंपनी का जर्नी होता है 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, ठीक है, अगर आपका कंपनी 1 पे स्टक है तो 1 टू 10 नहीं जा पाएगा फंडिंग लेके, अगर आपका कंपनी 10 पे स्टक है तो जितना भी हजारों करोड़ भी मिल जाएगा आप 10 टू 100 नहीं जा पाओगे, राइट। जब आपको लगे कि आपका कंपनी थोड़ा पैसे से ग्रो हो सकता है तब आपको फंडिंग लेना चाहिए, तब मिलेगा, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल है फंडिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग। सिर्फ आइडियाज पे कोई मतलब कि कोई नहीं देगा, मतलब दे सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दे सकता है, बट ग्रोथ के लिए जब आपको थोड़ा फंडिंग मिल गया आप ग्रोथ दिखा सकते हो तब आपको फंडिंग उतना मिलेगा कि आप 0 to 1 जाए, 1 to 5 जाए ऐसे। ओके सर, अब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अभी जैसे वेंचर्स हो गए या कोई एंजल की हम लोग बात कर लें, तो उनके क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, वो क्या आप में देखते हैं या बेसिकली किसी भी कंपनी में देखते हैं कि भाई उनको? देखिए इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि द इन्वेस्टर शुड कनेक्ट विथ योर विजन एंड स्टोरी, कि आपका जो जर्नी है, आपका जो स्टोरी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर्स, देन द बिजनेस मॉडल, देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी अगर आप मूवी देखो, ठीक है, हीरो कितना भी अच्छा एक्टिंग ना कर ले, शाहरुख खान कितना भी अच्छा एक्टिंग कर ले, कुछ मूवी फ्लॉप होते हैं। बट कुछ कुछ मूवी होता है कि जो बहुत लो बजट होता है, मतलब कोई भी ऐसे नया रिसेंटली उदाहरण ले सकते हैं हाँ बहुत सारे हैं, तो कोई भी नया वाला हीरो है तो उसका इतना अच्छा चलता है कि यार क्या कहानी था। तो आप
आपको आपका इन्वेस्टर आप में फंडिंग करेगा आपका कहानी देख के, आपका स्टोरी देख के, ना कि आप, ठीक है, रेवेन्यू एक इम्पोर्टेंट चीज होती है बट दैट माइट बी 25% ऑफ योर फंड रेजिंग प्रोसेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कैसे आप अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो. अगर आप करण जौहर जैसे अच्छा से स्टोरी बता पाए, आप अच्छे से मतलब एक्शन करके बता पाए कि भाई ये मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, यू आर एबल टू कन्विंस, तब आपको फंडिंग मिलेगा. तो इफ यू शुड स्पेंड मोर टाइम इन कन्विंसिंग योर स्टोरी रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर्स. एन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन यू, नॉट इन द बिजनेस. वो इम्पोर्टेंट है. घोड़ा आप हो, घोड़े पे इन्वेस्ट हो रहा है. हाँ, इवन बिकॉज फ्यूचर नोबडी नोज ना, क्या पता जो फंडिंग मिला सब जीरो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है सर. तो सर आई थिंक आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है. हाँ, मतलब अभी हमारा ऐसा है कि हमको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है. मतलब पूरा इंडस्ट्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं. इंडस्ट्री को मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. पूरा इंडिया में जोमेटो और स्विगी पे कुछ 1.5-2 मिलियन रेस्टोरेंट लिस्टेड है, ठीक है, ऑन स्विगी एंड जोमेटो. सॉरी, 1.5-2 लाख रेस्टोरेंट लिस्टेड है. अभी चाइना में सिर्फ बीजिंग में 1.5-2 लाख रेस्टोरेंट लिस्टेड है एक सिटी में. और इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है. दैट मीन्स इंडिया का जो एक्सपेंशन होने वाला है QSR में, जो क्लाउड किचन में, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, इज गोइंग टू बी 10x एवरी ईयर. मतलब कॉम्पाउंडिंग बहुत जल्दी होने वाला है. उस कॉम्पाउंडिंग का ग्रोथ होगा जब टेक्नोलॉजी मिलेगा रेस्टोरेंट्स को, नहीं तो ग्रो नहीं हो पाएंगे. तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास रेस्टोरेंट स्पेस में, QSR स्पेस में, फूड स्पेस में, कि आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, वो मैं बोल सकता हूँ. करेक्ट, बिल्कुल सही है सर. अभी जैसे अभी अगर आप बोलेंगे ना, अभी इवन जैसे ये दिल्ली का बजट आया तो उन्होंने तो इवन जो फूड के स्टार्टअप्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रमोट करा है. इवन एक मनीष सिसोदिया की स्पीच पड़ी है मेरे पास 40 सेकंड की, तो उसमें क्लाउड किचन के बारे में उन्होंने खुद बताया है. इवन अगर अगर आप मुझे बोलोगे कम से कम 800 करीब तो मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज वगैरह मैंने ही सेल करे हैं अपने, जो कि अभी मेरे ऑलरेडी जो मेंटीज वगैरह हैं इतने सारे. बट बेसिकली लास्ट में सर जो क्लाउड किचन का मुझे क्या लगता है ना, जो फेल होने का रीजन होता है ना, वो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट ही होता है. प्रोडक्ट मतलब कि सही उनको मैन पावर नहीं मिल पा रहा है, उनका चीजें सही नहीं हो पा रहा है. तो आई थिंक जो आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मशीनरी की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें वहां से सॉल्व हो सकती हैं फिर. सी, इंडिया इज नॉट अ डिमांड कंस्ट्रेंड मार्केट, इंडिया इज अ सप्लाई कंस्ट्रेंड मार्केट. डिमांड है इंडिया में भर भर के है. आप अच्छे से सप्लाई करोगे, आप बड़े होगे. इफ यू नॉट एबल टू गिव द राइट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट, कस्टमर को आप नहीं समझोगे, आप कुछ गलत वाला प्रोडक्ट भेजोगे तो कस्टमर नहीं खाएगा. तो वो आपकी गलती है, कस्टमर की गलती नहीं है. ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे. अभी कैसे आप लोगों ने बोला कि भाई हमको 5 मिलियन ही चाहिए फंडिंग, या क्या मतलब क्या सोचता है बंदा, या क्या जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि भाई इनको इतने ही पैसे देने चाहिए, या पूरी जर्नी कैसे होती है सर, कितना इसमें टाइम लगता है? फंड रेजिंग ना, एक मैं बोलूं कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ठीक है. आपको ऐसे, आप जैसे घर हर दिन साफ करते हो, राइट, ऐसे नहीं कि एक दिन साफ कर दिया नेक्स्ट डे नहीं करोगे, हर दिन तो साफ करते रहते हो आप घर. तो वैसे जैसे कंपनी में अकाउंट्स हर दिन मेंटेन करते हो आप, सेल्स हर दिन करते हो, आपका ऑपरेशन चलता रहे, आपका क्वालिटी ऑडिट हमेशा चलता रहता है, वैसे फंडिंग भी हमेशा आपका एक जर्नी होता है कंपनी में. तो उस जर्नी में एक ये होता है कि आपका सीड राउंड उठाया, बाद में कुछ एंजल राउंड उठाया, सीरीज ए उठाया, फिर सीरीज बी उठाया, वो एक स्टेप बाय स्टेप हाँ होता है. तो आपको फंडिंग उतना उठाना चाहिए कि आपको, आप बोल पाए कि यार मैं ना, जैसे अभी हम लोग एक $30 मिलियन का कंपनी है, ठीक है, हमारा फंडिंग वैसे उठा है कि हम लोग नेक्स्ट $100 मिलियन बने या $120 मिलियन बने, जो आपका कंपनी का एक विजन है. दैट जो फाउंडर, कुछ कुछ विजन है कि नहीं मुझे 50 नहीं मिलना है, मुझे 25 मिलियन पे ही रहना है. सो दैट इज ऑल्सो फाइन, नथिंग रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन person to person. So you need to raise funding that will help you to the next funding round if you ask me. हाँ, क्योंकि अगर एक बार फंडिंग उठा लिया तो फिर आपको सेकंड के लिए जाना ही पड़ेगा, वो तो फिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही हो जाता है फिर. नहीं, ऐसे जरूरत नहीं है. मेनी कंपनीज आर देयर जो उठा के उसको प्रॉफिटेबल किए, उसको डिविडेंड्स पे करते हैं. अगर आपका वो थॉट प्रोसेस है, दैट इज राइट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. मतलब इन्वेस्टर इज वेरी हैप्पी टू गेट डिविडेंड रिटर्न ऑल्सो. बट हमारा ये प्रोसेस था कि हाउ कैन वी टेक दिस मनी एंड गो टू अ नेक्स्ट लेवल फास्टर.
एंड वो 12 मंथ से 18 मंथ से 24 मंथ से दैट्स डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी फाउंडर टू फाउंडर. ओके सर. सर अभी जैसे आप लोग तीन फाउंडर है बाकी जो भी आपका स्टाफ होगा उनकी सैलरीज होती तो आप लोग क्या सैलरीज लेते हो या सीईओ सीटीओ आप लोग सैलरीज लेते हो या आप लोग मतलब जर्नली क्या होता है मतलब आप अपना स्पेसिफिक बता देंगे तो लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा समझने. नहीं, कंपनीज एज अ कोफाउंडर आपको सैलरीज लेना पड़ेगा. आप तो यू कैन नॉट टेक कंपनीज मनी एज योर मनी. एज अ कोफाउंडर आपको कंपनी का जो बोर्ड होता है वो बोर्ड आपको डिसिग्नेट करती है कि आप सीईओ बनोगे या सीओ बनोगे. यू आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो के आप सैलरी लोगे आपके हिसाब से. अगर आपका रूल ऑफ थंब है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक करोड़ दो करोड़ पर ईयर है तो 15-20 लाख का सैलरी ले सकते हो. आपका कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ेगा तो इस हिसाब से आप सैलरी देखिए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि एज अ फाउंडर यू आर ऑल्सो जब कंपनी प्रॉब्लम होती है आपका सैलरी सबसे पहले कटती है एंड ग्रो होता है तो आपका भी सैलरी बढ़ता है. सो दैट इज द होल थिंग. यू आर नॉट इन इट फॉर सैलरी दैट इज देयर. बट मेरा ये एडवाइस है कोफाउंडर्स को कि आपको सैलरी लेना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपका घर पे आपका पर्सनल विशेस पूरी रहेगी कंफर्टेबल रहोगे तभी आप जाके कंपनी अच्छे से चला पाओगे. नहीं तो घर में लोग रोएंगे तो आप कंपनी ठीक से नहीं चला पाओगे. नहीं सर, मेनली अभी होता ना अभी जैसे यंगस्टर होते हैं अभी कोई अपना जॉब छोड़ के आना चाहता है कोई अभी सब ना कितना ही क्लाउड किचन कोई खोलना चाह रहा है अभी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है सिर्फ पैशन पैशन बोल के लोग आते हैं फिर वो कुछ महीने तक वो पैशन रहता है फिर वो बंद हो जाता है वो पैशन. तो दैट इज नॉट गुड कि भाई मैं सैलरी नहीं लूंगा मैं पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पे मुकुंदा फूड के फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ मशीन और किचन ऑटोमेशन और यंगस्टर के लिए सर कोई मैसेज जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं. हाँ तो सी हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है हमारा जो टेक्नोलॉजी है हमारा ये विजन है कि हर एक किचन में हमारा टेक्नोलॉजी रहे. हर एक एंटरप्रेन्योर हर एक रेस्टोरेंट ओनर अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए ग्रो बनाए यूजिंग अवर टेक्नोलॉजी यूजिंग अवर ऑटोमेशन. एंड उस डायरेक्शन में हम लोग अलग अलग मशीन लॉन्च करेंगे अलग अलग स्कीम लॉन्च करेंगे आपके जैसे अच्छे अच्छे शेफ के साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि यू नो आप इंडस्ट्री का भला चाहते हो आप इंडस्ट्री वन हैज टू ग्रो. तो सिमिलरली हमारा भी एक इंडस्ट्री ग्रो होना चाहिए तो आई थिंक हमारा आपका विजन मिलता है एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. एंड कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट फॉर पीपल टू इनोवेट. इंडिया में इनोवेट करना इज वेरी इजी कंपेयर टू ग्लोबल नेशंस क्योंकि ग्लोबल नेशन सैचुरेट हो चुके हैं. हम लोग हमारा जो मशीन्स है वी आर एबल टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. जो पहले होता है कि ना यार जर्मन मशीन्स अच्छे हैं यूएस मशीन्स अच्छे हैं अभी ऐसे है जर्मनी में आप लोगों ने मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जर्मनी में आप लोगों ने सेंड किया था मशीन आई थिंक. हमने जर्मनी में 22-25 कंट्रीज में सेल किए हैं हम लोग. तो पूरा दुनिया इज लुकिंग एट इंडिया राइट नाउ फॉर इनोवेशन फॉर टेक्नोलॉजी फॉर दिस थिंग एंड नॉट ओनली इंटरनेशनल इंडिया में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी. इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी राइट नाउ. तो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. There is a lot of capital available, lot of resources available, lot of mentors like Chef Dhiraj available for you to, you know, to make your dreams come true. Bas ek cheez yaad rakhiye, only make products that customer wants. Don't make a product that you want to sell. Make products that customer wants to buy. Customer wants. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक. सर थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे बताई. किचन ऑटोमेशन के बारे में तो पता है और बाकी मैंने जैसे मैंने बोला कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो डेमोज के लिए जो कि हमारे लोअर लेवल के जो शेफ होते हैं उनके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है. मेरा मेनली जो एजुकेशन डिजिटल शेफ हम लोग मैं अपने ब्रांड जो चला रहा हूँ मेनली ये कि एजुकेट करना है ये लोगों को और वो जो हम लोग कॉमी 3 कॉमी 2 से चालू होंगे वो अपने आप ऊपर अपने आप ही आने लग जाएगा सर. वो रूट से वो हेड की तरफ अपने आप जाने लग जाएगा सर. फिर श्योर श्योर. थैंक यू वेरी मच सर.